नमस्कार, मैं हूँ अनामिका बिहारी न्यूज से, और आज हम बताएंगे आपको। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने मीडिया से कहा है कि सड़कों पर फेंके गए पानी की खाली बोतलें आमतौर पर सिर्फ हमारे पर्यावरण को दूषित करती हैं, जिनसे होने वाले नुकसान भी काफी हद तक मानवों और जानवरों के लिए खतरनाक सिद्ध होते हैं। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में झारखंड की राजधानी रांची में ही ऐसी टी शर्टों की प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। उन्होंने कहा कि इससे स्टेशनों और पटरियों पर छोड़े गए प्लास्टिक कचरे व प्रदूषण से रेलवे परिसर को मुक्ति मिलेगी। राजेश कुमार ने कहा कि एक अनुमान के मुताबिक भारत विश्व में उपभोग होने वाले प्लास्टिक का 2 से 3% उपभोग करता है। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्लास्टिक औसत खपत 7 किलोग्राम से 8 किलोग्राम है। अकेले रेलवे में पानी की बोतल के कुल कचरे का 5% इसमें योगदान होता है। उन्होंने ये भी कहा कि पानी की प्लास्टिक बोतलों का उपयोग करने के बाद इसे क्रश कर देना होता है, लेकिन अज्ञानता के कारण लोग ऐसा नहीं करते और इसे कहीं भी फेंक देते हैं, जिससे रेलवे स्टेशनों और रेल पटरियों पर प्रदूषण फैलता है। अब इसी मुद्दे से निपटने के लिए बिहार रेलवे ने एक नई पहल शुरू की है, जिससे बेकार पड़ी बोतलों के इस्तेमाल के साथ साथ अब बेहतर रोजगार और कुछ विशेष सामान भी बनाए जा सकेंगे। आपको बता दें कि बिहार में पूर्व मध्य रेलवे के 4 स्टेशनों पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर, पटना साहिब और दानापुर स्टेशन पर रिवर्स वेंडिंग मशीनें लगाई जा चुकी हैं। इन मशीनों के द्वारा पानी की खाली प्लास्टिक के बोतलों को इसमें डालकर क्रश किए जा रहे हैं, फिर उसी से टी शर्ट और टोपियां तैयार की जा रही हैं। इस प्रक्रिया को जारी रखने के लिए बोतलों को इकट्ठा करने का रेलवे ने एक लाजवाब तरीका भी अपनाया है। प्लास्टिक की बोतलें जमा करने वाले व्यक्ति को प्रति बोतल के लिए 5 रुपए दिए जाएंगे। इस उठाए गए कदम से पर्यावरण को संरक्षित रखने में भी काफी हद तक मदद मिलेगी। बताया जा रहा है कि एक स्टेशन पर हर रोज 300 बोतलों को क्रश किया जाएगा, जिनमें 12 बोतलों को क्रश करने के बाद एक टी शर्ट बनाई जा सकेगी। अभी तक के रोजाने इस्तेमाल में लगभग 16 लाख पानी की बोतलों का इस्तेमाल किया जाता है। देश भर के सभी रेलवे स्टेशनों पर तकरीबन 2250 मशीनों को लगाए जाने की तैयारी की जा रही है। अब इन रेलवे स्टेशनों से एकत्रित प्लास्टिक के खाली बोतलें करीब 7 लाख हो जाएंगी। अब इन सभी को क्रश करने के बाद इनसे करीब 58,000 तक टी शर्ट बनाए जा सकेंगे। इनकी बनाने वाली कंपनी स्टार्टअप के अनुसार इन बोतलों से बनाई जाने वाली टी शर्ट काफ़ी टिकाऊ होगी, जो कि लंबे समय तक चलेंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस YouTube चैनल बिहारी न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर ये वीडियो आप हमारे Facebook पेज पे देख रहे हैं तो हमारे इस Facebook पेज को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।